नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। बिहार में काबा, यूपी में काबा जैसे गानों के जरिए चर्चा में आई सिंगर यानी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का एक बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि वे मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। नेहा सिंह राठौर ने आगे कहा कि अगर कोई पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। इसके अलावा नेहा सिंह राठौर ने मनोज तिवारी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मनोज तिवारी जैसे फूहड़ और अश्लील लोग संसद में होने नहीं चाहिए। सिंगर नेहा सिंह राठौर ने एक पोस्ट यानी ट्विटर पे लिखा कि मनोज तिवारी जैसे अश्लील गायकों को बढ़ावा देकर भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी अस्मिता का अपमान किया है। पूर्वांचल के सभी लोगों को यह बात जाननी चाहिए कि मनोज तिवारी जैसे लोग कभी भी समाज के रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं। एक अन्य पोस्ट में वो कहते हैं कि हाँ भाई, इन लफंगे भोजपुरी गायकों के आगे मेरी क्या औकात है, मेरी इनके आगे कोई भी औकात नहीं है। औकात तो सिर्फ इनकी है क्योंकि ये भोजपुरी की बेटियां बेचकर करोड़ों के मालिक और नेता बन गए हैं। दरअसल नेहा सिंह राठौर एक सिंगर है और वह अपने गीतों के जरिए महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी और सरकार की नाकामियों पर न केवल सवाल उठाती हैं बल्कि धारदार व्यंग भी करती हुई नजर आती हैं। वह बिहार के कैमूर जिले की रहने वाली है। इनके गीत बिहार में काबा, यूपी में काबा और यूपी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। और यहाँ पर इस बात का भी जिक्र कर दें कि सत्ता से जुड़े कुछ लोगों को इनका ये बिंदास अंदाज और तंज पसंद नहीं है। नेहा सिंह राठौर कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और उन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत साल 2018 में की थी। उनका पहला हिट गाना रोजगार देव का करवा नाटक है। बता दें कि जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर को लेकर खबरें आ रही हैं कि वो कांग्रेस के टिकट पर मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, ऐसे में देखना होगा कि क्या कांग्रेस अब इन्हें टिकट देती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट।